यूपी बोर्ड में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और क्या इस साल का पूरी तिथिवार तरीके से आपका कब हाफ ईयरली एग्जाम होगा और कब एनुअल एग्जाम होगा, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तिथि क्या होगी, किस प्रकार का पैटर्न होगा, किस पैटर्न पे पेपर पूछे जाएंगे, ये सारी बातों की जानकारी हम इस एकमात्र वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर को, जो कि आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कैलेंडर के अनुसार आपकी सारी जो भी तिथि के अनुसार परीक्षाओं का निर्धारण होगा वह आपका किया जाएगा। तो अगर आपको पहले से ये सारी जानकारी होगी तो आप आसानी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कमर कस सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं और शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर जो है उसे एक दृष्टि में देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सत्र आरंभ करने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2022 है, यानी आपका जो न्यू सेशन स्टार्ट होना है वो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होना था, जो कि लगभग सारे विद्यालय में स्टार्ट कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से आपका नया सत्र प्रारंभ हो गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक टेस्ट, यानी जो आपका मासिक पाठ्यक्रम है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंथली आपका सिलेबस है उसके अनुसार वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक टेस्ट लिया गया होगा। वह जो टेस्ट होगा वह अगस्त 2022 अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, यानी आपका जो मंथली सिलेबस है उसके आधार पर जो भी आपका मंथली टेस्ट होगा वह अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ के आधार पर मासिक टेस्ट जो है वो जुलाई 2022 अंतिम सप्ताह में होगा, यानी जो वर्णनात्मक परीक्षा है वो आपके अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी, जबकि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट है वो जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि जो आपका मंथली सिलेबस है उसके अनुसार जो MCQ वाली परीक्षा होगी वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी, और जो रिटेन एग्जाम होगा, वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, वो जो होगा वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। तो इतनी चीजें आप जान चुके हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन जो है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसका आयोजन सितंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। वहीं अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का जो आयोजन है, यानी हाफ ईयरली की जो रिटेन एग्जाम आपकी होती है, वह अक्टूबर 2022 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होगा। देखिए, अक्टूबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह यानी सेकेंड और थर्ड वीक में आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना, देखिए आप जान रहे हैं कि इस जो अब आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उसके जो नंबर हैं वो अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की जो वेबसाइट है उस पर अब अपलोड होंगे नंबर। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। वहीं अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो अक्टूबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होगा, और जो आपके अंक अपलोड किए जाएंगे वो नवंबर प्रथम सप्ताह तक आपका जो नंबर है वो अपलोड करना होगा विद्यालय को। वहीं सातवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर मासिक टेस्ट जो है वो नवंबर 2022 अंतिम सप्ताह को होगा, यानी मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार जो वर्णनात्मक परीक्षा का आधार है यानी दूसरा जो टेस्ट है आपका वो नवंबर 2022 अंतिम सप्ताह को होगा। नेक्स्ट है, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट जो है वह दिसंबर 2022 अंतिम सप्ताह को होगा। यहीं पर नौवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि 20 जनवरी 2023 तक है। ये देखिए एक बहुत तो पूर्ण बिंदु है कि सभी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है यानी जो सिलेबस है, यानी पूरी तरह से आपकी जो भी किताबें चलती हैं उनके सारे जो चैप्टर्स हैं उसके पूरा करा लेने की जो तिथि है वो 20 जनवरी 2023 तक है। अब देखिए
दसवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2023 तृतीय सप्ताह में होगा, यानी क्लास 10th और 12th का जो प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका आयोजन जनवरी की तृतीय सप्ताह में किया जाएगा। वहीं 11वां जो पॉइंट है, कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का जो आयोजन है वो 1 से 15 फरवरी 2023 तक होगा, यानी क्लास 10th और 12th की जो प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं हैं उसका आयोजन 1 से 15 फरवरी के बीच में होगा। आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th का है उसका जो प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो जनवरी के तृतीय सप्ताह यानी 3rd वीक में होगा, वहीं जो लिखित परीक्षाएँ हैं वो 1 से 15 फरवरी के बीच में होगा। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं तथा कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वह 16 से 18 फरवरी 2023 तक होगा। इसी में एक और बात कही गई है कि क्लास 9th एवं 11th की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर जो अपलोड करने की तिथि है वो भी 16 से 28 फरवरी के बीच में है, यानी 15 दिन के अंदर आपका जो क्लास 9th और 11th उसका एनुअल एग्ज़ाम का जो भी अंक होगा उसे अपलोड भी करना है और साथ में उसका मूल्यांकन भी करना है, यानी कॉपी को चेक भी करना है और साथ ही क्लास 10th और 12th की जो भी प्री बोर्ड की कॉपियां हैं उसे भी चेक कर लेना है 16 से 28 फरवरी के बीच में। देखिए 13वां जो पॉइंट है, बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन जो है वो 16 से 28 फरवरी 2023 तक होगा, यानी बोर्ड जो होता है क्लास 10th और 12th का उसका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 16 से 28 फरवरी के बीच में होगा। बोर्ड परीक्षाओं का जो आयोजन है वो मार्च 2023 में होगा। जैसा कि पिछली बार आपको निर्धारित कर दिया गया था तिथि और निर्धारित तिथि के पास ही आपका एग्ज़ाम हो गया था, तो इसलिए आपको एकेडमिक कैलेंडर जान लेना आवश्यक होता है, यानी बोर्ड परीक्षा का जो प्रयोगात्मक एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो 16 से 28 फरवरी के बीच में होगा और साथ ही बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन है वो मार्च 2023 में होगा। बहुत सारे सामान्य निर्देश में भी बिंदु हैं जिसे हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।